अमी 49वीं कारिका में उन्हें समझा रहे हैं पूर्वी अवक्तव्यादि उपलब्ध थे, फिर अवक्तव्यवादी का दोष बताते हैं। जो अवक्तव्यवादी है सर्वथा अवक्तव्य कह रहा है, बिना स्यादवाद के अवक्तव्य मात कहते हैं, उन्हें पुनः दोष लगा। पूर्व में क्या बोले, वस्तु अवस्तु अपने को प्राप्त हो जाती है, कब, प्रक्रिया विपर्यास, प्रक्रिया की विपरीतता से। फिर हमारे लिए समझना, प्रक्रिया विपर्यास मतलब पर वस्तु की अपेक्षा से असत है, सुवस्तु में सत है। तो सुपर चतुष्टय से वस्तु स्या सत स्यात अस्त असत, जो असत है वही अवाच्य है, जो असत है वही वस्तु है, असत है वही वस्तु है। लेकिन यहाँ पर असत में हमारी विवक्षा है, नास्ति धर्म की अपेक्षा से वस्तु में युगपत एक साथ अस्ति धर्म भी है नास्ति धर्म भी है। तो अपने अस्ति धर्मत्व में ही अपने में नास्ति धर्म है, तो हमारा जो नास्ति धर्म है वो नास्ति धर्म हमारे अंदर पर की नास्ति दिखाता है। नास्ति धर्म स्वयं का है लेकिन पर की अस्ति का निषेध करता है। मेरा नास्ति धर्म पर की नास्ति का बोध कराता है। कोई आप लोग हो ही नहीं कर रहे हो, मेरा अस्ति धर्म पर की नास्ति का बोध कराता है। तो मेरा ही नास्ति धर्म पर की अस्ति का निषेध कराता है। निषेध कराता, बोध कराता है, प्रतीति कराता, अनुभूति कराता है, वेदन कराता है, संज्ञान देता है, शब्दानाम नहीं करता, और एक शब्द क्या नहीं करता, पर्याय नाम। अब हम आपको बिल्कुल धारावाही एक विषय समझा रहे हैं। अवस्तु जो है अवाच्य। अब सुनो ना, अवस्तु अवाच्य क्यों कहा? आप जो शून्यवादियों ने अवाच्य कहा था वो कल्पना का था, स्यादवादी जिसे अवाच्य कह रहा है उस अवाच्य पर ध्यान दो। प्रक्रिया के विपर्यास से अवस्तु कहा है, ठीक है। जैसे कि पूरी बना रहे थे, अचानक आप दूसरा काम करने चले गए, वो जल गई, राख हो गई तेल के साथ, पूर्ण नष्ट हो गई, राख दिख रही है, तो वहां आप पूरी कह पाएंगे क्या? राख कह रहे, बहुत बढ़िया राख। सुनो, अब भी सुनो, अभिप्रेत क्या था? पूरी था, अभिप्रेत पूरी था ना, अब हो गई उसकी राख, तो वहां पूरी जो ना अवस्तुभूत हो गई है। अब सुनो, अवस्तु हो गई, अब अवस्तु होने कारण उसे हम पूरी कह सकते हैं क्या? अवाच्य, पूरी पना अवाच्य हो गया उसका, बराबर अवाच्य। सुनिए, आपके पास आते हैं, भैया टीचर हो, सुनो आप, बोले एक मनुष्य उसकी चर्चाएं, वो मृत्यु हो गई उसकी, वो देव हो गया। अब देव की बात चलेगी कि मनुष्य की चलेगी? तो मनुष्य बना उसके लिए अवस्तु हो गया, ठीक है, और देव मनुष्य पर भी अवस्तु भी हो गया, अवाच भी हो गया। अब आप उसको अभी वर्तमान में मनुष्य कहोगे क्या? देव को मनुष्य बोलोगे? बोलो भाई, अवाच हो गया,
अब ये प्रश्न करो, ये विषय चल कैसे रहा है? सुनो, उसका प्रश्न ये है, आपने सत का नाश असत का उत्पाद माना है, असत का उत्पाद माना है पर्याय दृष्टि से। आपने सत का नाश असत का उत्पाद नहीं माना द्रव दृष्टि से, ठीक है? और भूत में उड़ रहे हैं आप, बड़े विशेष बड़े ध्यान रखना, आपको न तुरंत बदलेगा, न बदल गया आपका भूत, नहीं गम नहीं चला गया। तो हमने तो अवक्तों को वस्तु बनाया है, आपके यहां न बदल गया, तो आप न बदल गया तो उसने से बात करो आप, नए मत दूसरे नए को प्रवेश दे, प्रवेश दिला देंगे, बहुत काम बिगड़ जाएगा। ये निगम ने इतना सूक्ष्म है, श्लोक वार्तिक में सर्वाधिक व्याख्या निगम ने की है। अब नए लग रहा है, अब देख रहा नए लगा दे या भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से बात से, वो सिद्धों में संसार ये बात से, बात से भूत प्रज्ञापन नहीं अपेक्षा से, पर सिद्ध अवस्था में संसार अवस्था आवाज हो चुकी है, बराबर अवस्तु भी हो चुकी है, वो मात्र ज्ञान का विषय है, ज्ञेय का विषय है परोक्ष रूप में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तद्रूप अवस्था नहीं है। इसलिए चार भंग बनाए हुए, चार भंग पर ध्यान दो, सत असत असत सत, ये पूरा होने दो, सत असत असत सत सत असत असत सत, ये चार भंग पर ध्यान दो। ये चारों भंग पर्याय को सापेक्षता लिए चल रहे हैं। इन चारों भंगों को नहीं मानोगे, पर्याय की सापेक्षता में द्रव्य का विनाश करके नहीं कर रहे हैं। द्रव्य इतना ज्ञान होना चाहिए, हम द्रव्य की व्याख्या करें तो पर्याय की सापेक्षता रहेगी, पर्याय की व्याख्या करें द्रव्य की सापेक्षता रहेगी, और दो की व्याख्या करें तो गुण की सापेक्षता रहेगी। जैसे निश्चय एकांत में क्या हो रहा भैया, विशुद्ध द्रव्य की आश्रय लेते तो पर्याय को अभाव करके देख लेते थे अज्ञानी लोग, उनमें भी ज्ञानी है, पर जो अज्ञानी है उन्हें समझ में नहीं आता। अब बोलो क्या बोल रहे हो? पूरी से राग हुई ना, पूरी पना आवाज हो गया ना, पर्याय सुनो, पर्याय वस्तु है कि नहीं बोला समझो। पर्याय का मतलब कोई ऐसा नहीं कि वस्तु हो गई है, पर्याय वस्तु है कि नहीं, पर्याय जिसमें, यहां क्या बोलना, वर्तमान पर्याय में वस्तु वस्तु भूत है, भूत पर्याय वहां अवस्तु भूत है, भावी पर्याय अवस्तु भूत है। भाई देख, आप तो व्यवहार में आओ, बिल्कुल शुद्ध व्यवहार में तो समझ में आएगा, आपको अंदर के गुण विषय समझ में नहीं आ रहे। भाई यहाँ पर सबसे अच्छी वस्तु क्या बनती है? चश्मे वाले भैया, खाने की सबसे सुंदर वस्तु क्या बनती है? सुनो भाई, ये बोला देर देखो, वर्तमान पर्याय देखिए, खीर है, ठीक, खीर है, तो खीर है, खीर थी, खीर होगी, तुमको स्वाद कौन देगा, थी होगी कि है? आप मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, मुंह नहीं, आप नहीं आ रहा है, आप जो है ना, यदि स्वाद आ रहा तो पेट भर जाएगा तुम्हारा। आप पहले समझो, अज्ञानी बन के नहीं पढ़ना है, तुम त्रिकालिक हो ना, तो त्रिकाल में ध्यान दीजिए, त्रिकाल में जो अनुभव होता है मात्र वर्तमान का होता है,
अनुभूति मात्र वर्तमान की होती है। वो अनुभूति, सुनो अनुभूति मत बोलिए आप, उसको आप बोलिए ज्ञान। अनुभूति शब्द को हटा दीजिए, उसको आप बोलिए नैगम नय, भूतवत, भूत के, भूत की बात को वर्तमान मत कहना, भविष्य की बात को वर्तमान मत कहना, ठीक है ना, कहना वेदन नहीं है। आ गए, मैं हिलने वाला थोड़ी हूं, आ गए। वेदन यदि, सुनो बोला यदि, देखो बहुत गहरे में जाना, इसमें तो कितने सारे विषय पकड़े जाएंगे, संसार मुक्ति का आनंद आने लग जाएगा। एक ध्यान का आनंद है, एक एक ध्यान का आनंद है, एक ज्ञान का आनंद है, ठीक है ना। अब आइए, यदि जानने से अनुभूति होती है, बोला अनर्थ हो जाएगा बेटा। अभी कुत्ते का मल पड़ा था रास्ते में, जाना तो तुमको स्वाद आएगा ना, नहीं नहीं ऐसी व्याख्या करना पड़ेगी। जानने से वेदन होता है, जानने से वेदन होता है, इसलिए प्रत्येक इंद्री का ज्ञान होता है पर वेदन नहीं होता। वेदन इधर देखो, ज्ञान से प्रत्येक इंद्री का ज्ञान होता है पर वेदन प्रत्येक इंद्री का स्वतंत्र ही होगा। हम ज्ञान से नेत्र का विषय भी जानते हैं, हम ज्ञान से घ्राण का विषय भी जानते हैं, हम ज्ञान से स्रोत का विषय, कान का विषय जानते हैं, हम ज्ञान से स्पर्शन का विषय जानते हैं, रसना का विषय जानते हैं, लेकिन वेदन जिस इंद्रिय से करेंगे उसी इंद्रिय से होगा। नहीं नहीं आंग नहीं निकले। आइए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आवाज क्यों कहा, आवाज इसलिए कहा है कि जो वस्तु खीर, भैया ने कहा खीर, तो जो खीर है ना वर्तमान में होगी तो खीर खाने की बात बता सकता, बोला वेदन अनुभूति। जो खीर खा चुका है, खा चुका है, वो वर्तमान में खीर दिखा नहीं सकता, समाप्त हो चुकी है, और खीर सफेद है गोरी है दिखा नहीं सकता, तो खीर कैसी है बताइए भाई, बोला। तो बोले ये कहेंगे भाई ऐसा है, अब जब आएगी तुम खा के देगा तभी बता, अभी तो आवाज से, आवाज से आ गए हैं, आगे चले बराबर है। इसलिए मैंने बोल दिया ना, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारी पूरी बात को एक साथ रखिए अपने मस्तिष्क पर, तो समझ में आएगा। आप कभी द्रव के पास पहुंचते, कभी पर्याय पास पहुंचते हो, व्याख्यान क्रम से होगा, लेकिन आपको ये सारे भंग अपने मस्तिष्क में जमा के रखेंगे। उन्होंने कहा शून्य सुगत ने कि सात असात उभय अनुभय, ये संपूर्ण गुण शून्य अवाच्य, तो जब वस्तु ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, तो कल्पित अवाच्य, पर हमारा कल्पित अवाच्य नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? महेश कुमार जी नाम है। महेश भैया पिताजी हो के भाई हो? आप पिताजी हो के भैया हो? भैया नहीं हो, भैया भी हो, देखो एक बटन सब ज्ञानी बनते हैं। चाचा नहीं हूं, पति नहीं हूं, पिता नहीं हूं, यही तो जैन धर्म है जो सारे धर्मों को एक साथ देख रहा है, पर क्रम क्रम से, पत्नी के पेचा से पति हो, मां के पेचा से बेटे हो, मां में अब मां के पति नहीं बन जाना, मां के बेटा हो। आप विश्वास मानो, हर जगत में लोग समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, दूरियां दूरियां बना रही हैं। उनको एक मिनट में महेश को पता चल गया, भैया यही जैन दर्शन का सियाद बात है कि महेश पिता भी है, महेश पुत्र भी है, महेश भाई भाई भी है, महेश भतीजा भी है, महेश महेश मामा भी है, महेश भांजा भी है कि नहीं?
एक महेश में इतने सारे गुण हैं, लेकिन सुनिए इन सबको एक साथ बोलिए, अवाच। ये वस्तुभूत वाच्य, ये वस्तुभूत वाच्य, ठीक है ना, ये वस्तुभूत वाच्य। लेकिन अवस्तु में वाच्य भी हम मानते हैं, परंतु कल्पित वाला नहीं मानते। ध्यान रखना तीन बातें चल रही यहां पर, पुनः आइए, नहीं एक बात छूटने वाली थी, तीन बातें सुनिए। कल्पित अवाच, प्रत्यक्ष वस्तुभूत अवाच, प्रत्यक्ष वस्तुभूत अवाच, ठीक है, और पर्याय के अभाव अपेक्षा अवाच। तीन प्रकार अवाच है। मुझे तो आनंद आ गया, ये विषय तो मालूम 47 में खुल जाना चाहिए था, जब अवाच भंगा है ना सुब्र सागरी, तो आज का थोड़ा विषय आप तारीख नोट कर लेना, आज अवाच की व्याख्या होगी, उसमें आप आज की तारीख डाल दो। चलो भाई, आनंद आया। एक हमने महेश का नाम लिया, तो सारे धर्म उसके अंदर हैं, भाई के अंदर, लेकिन सारे धर्मों को एक साथ बोल नहीं सकते। मैं महेश से ही बोलूं, बोलो आप एक साथ, फूफा हूं, मामा हूं, जीजा हूं, साला हूं, बोलो एक साथ, नहीं बोल पाएंगे, क्रम से ही बोलेंगे। अवाच, पहला वस्तुभूत अवाच, अवस्तुभूत अवाच, काल्पनिक अवस्तु, ठीक है। तीसरा है जिस पर आप इतनी देर से चर्चा कर रहे हो, वो ये है पर्याय के विपरीत होने पर प्रक्रिया विपर्यात, प्रक्रिया के विपरीत होने से अवाच्यपना बन जाता है। क्या कल्पित? अरे जो भाई आपको मालूम है बुद्ध दर्शन ने, बुद्ध दर्शन ने, तुम सुनी नहीं रहे भैया, जो बुद्ध दर्शन ने कहा था सत असत उभय अनुभय, ये कल्पित हैं। कैसे कल्पित हैं? ये है नहीं है, ये उपचार है, समृद्धि। तो समृद्धि होने से, उपचार होने से ये अवस्तुभूत हैं, अवस्तुभूत हैं, अवाच्य। तो इन्होंने जो इनको जो अवाच्य कहा है, अवाच्य कहा है, तो प्रश्न है ना, अवस्तु में सत कैसा, अवस्तु में असत कैसा, अवस्तु में उभय कैसा, अवस्तु में अनुभय कैसा? तो आपने अवस्तु में जो कल्पना की है वो आपका कल्पना मात्र का अवाच्य है, वास्तविक अवाच्य नहीं है। अवाच्य में, अवाच्य में, अवाच्य में वस्तु रहती है, अवाच्य में वस्तु रहती है। जैसे कि महेश है युवा, ठीक है ना, दादा नहीं है, तो दादाजी बगल में बैठे हुए हैं, दादाजी बगल बैठे हुए हैं, दादा होना चाहिए तब हम महेश में दादा का अभाव करेंगे। सेठी है, सेठी है, ललित सेठी मतलब पापड़ी वाल नहीं है, तो पापड़ी वाल भी होना चाहिए, सेठी भी होना चाहिए, तब हम अभाव करेंगे। राम तो है, श्याम नहीं है, तो राम श्याम नहीं है, इसका मतलब श्याम भी है, राम भी है, लेकिन राम अलग है, श्याम अलग है। ये वस्तुभूत है। हाँ, आपको इतना ध्यान रखना, सर्वांति प्रवेशम। अब भाई घड़ी देखो, आगे क्लास भी पढ़ना। महात्मा जी कल्पनिक, काल्पनिक अवक्तव्य उसे हम नहीं मानते। वस्तुभूत सामने नाना धर्मयुक्त, पर नाना एक साथ नहीं कह सकते। दूसरा, एक पर्याय के विपर्यास, पर्याय के अभाव होने पर असत रूप अवक्तव्य, असत रूप अवक्तव्य, तत्क्षण में, तत्काल वो पर्याय नहीं है, इसलिए अवक्तव्य। आनंद आ गया, मुझे तीन विषय सामने आ गए। सर्वान्ते वक्तव्यस्तेषां किं वचनं पुनः, स्मृतेन मृतावेशा परमाविपर्यात्।
अब जो इन्होंने आपके पूर्व श्लोक कहा था, कौन सा? अन्येषण शब्देयम् 44 के पास पहुंचो। निसंग सागर जी, आपकी क्लास शुरू हुई थी 44। मैं तो ये मानता हूं जैसे मटकी में रई से दही मथो ना, इसके बाद हाथ से मथना पड़ता है, और उसकी एक विशेषता, वो माँ थक जाए वो रख दे वो ऐसा लगे, लेकिन जितनी बार यूँ करेगी ना उसको कुछ ना कुछ नहीं मिलता है, जितना यूँ करेगी उसको कुछ नहीं मिलता है, वो थक जाती तो रख देती है, लेकिन वो बार बार ऐसे करे ना वो नोनी निकलती, नोनी नवनीत मक्खन। ऐसे ही शास्त्र है, शास्त्र इनको जितनी बार तुम पढ़ोगे उतनी बार विशेष विशेष मिलेगा। अकेले से तो उन्हीं मिल सकता है जिनकी बुद्धि विशाल है। आइए, सर्वांत ही प्रवचतम, देखो बोला, क्रम से विश्वास रखो, इस ग्रंथ को मूल मूल से भी पढ़ेगा जीव तो विशिष्ट विशिष्ट पाएगा, फिर अष्ट सहस्री पढ़ेगा तो और आनंद आएगा। सर्वथा प्रचलन निर्वण्य विनाशो, यदि सर्वांत चेत वक्तव्य, सर्वांत चेत संपूर्ण अंतों धर्मों का अंत करके नाश करके, परंतु देखो अनुपम सारी, यदि समझ में आ रहा तो आनंद आएगा, नहीं तो सिर्फ प्राण है इसमें कोई शंका नहीं है, यदि विशेष समझ में आ रहा तो बहुत आनंद आता है। परीक्षा हाल में लघु शंका किनको लगती है महेश भाई? सबसे ज्यादा परीक्षा हाल में सबसे ज्यादा प्यास किसको लगती है, लघु शंका किसको लगती है? जिनको पेपर पे नहीं आता उनको बार बार लघु शंका जाना पड़ता है, बार बार पैसा लगती है, और जिससे बच्चे से पेपर बनता है वो समय बर्बाद नहीं करता, बाद में पिएंगे, चलो लिखो। ऐसे ही जो शास्त्र की गूढ़ता है, मालूम वर्तमान में क्या हो रहा है सर सुजी, संप्रदायों के बढ़ावा हो रहा है, संप्रदाय में तत्व के ज्ञान का ह्रास हो रहा है, वे संप्रदाय के नाम पर हु हल्ला कर रहे हैं लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं हो रहा है। सर्वांत्य च वक्तव्यम् तेषां किं वचनं पुनः, यदि संपूर्ण धर्मों का अंत कर, देखो ये कितना सरल श्लोक हो जाता है, सर्वांत चेत अवक्तव्यास्, ये संपूर्ण रूप से अवक्तव्य है, तेषां किं वचनं पुनः, अवाच्य से अवाच्य वचन कैसा, संवृत्ति चेत मृषा में ऐसा, वो संवृत्ति है ना वो तो झूठी ही होती है, उपचार तो लोक व्यवहार के लिए होता है। आपके घर में दूध की बाल्टी है, वो महेश भाई के तो होगा ना, आपके घर में तो घी की मटकी नहीं है क्या? तो रखते किसमें हो? कैन में तो रखते ना, उस कैन का नाम क्या है? घी का कदम बोलते ना, लेकिन वो घी का थोड़ी होता है, वो तो स्टील का है, फिर भी घी रखा होने के कारण हम घी का बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आओ, तो स्वभाव से देखोगे तो उपचार तो झूठा ही होता है, समृद्धि से मिसा विसा परमार्थ विपर्यात, परमार्थ विपर्यात, परमार्थ का विपरीत है। इसलिए जब समय सार में हम जाएंगे तो बड़े आनंद के साथ कहेंगे, घृत कुंभ धाने कुंभ घृतमयो नीचे जीवो वर्णा जलपे पी जीवो वर्णा तन्मया, ये घृत कुंभ धाने पी घी का कुंभ यानी मटका कहने पर भी कुंभ घृतमयो नीचे कुंभ घृतमय नहीं हो जाता है, जीवो वर्णा जलपे पी जीव वर्णादिमान है ऐसा कहने पर जीव ने बड़ा तन्मया, फिर भी जीव काला गोरा सांवला नहीं है, ये शरीर है शरीर, आत्मा तो जो है सो है। यदि सर्वांता, आप तो कहीं भी देखो समय सार मिलेगा, यदि सर्वांता सर्वधर्मा अवक्तव्या, संपूर्ण सर्व रूप से सभी धर्म अवक्तव्य है, अवाचस तेषा मतानाम, जिनके मत में सभी धर्म अवक्तव्य है, मुक्ति उनकी, उनके इस प्रकार के वचन जो कहे हैं सर्वथा
प्रतिक्षणम निरव विनाश हो, तो प्रतिक्षण निरव विनाश होने से निरंसा कैसे हो गए, निरंस सजातीय विजातीय व्यावृत्तिया, फिर सजातीय विजातीय व्यावृत्ति इत्यादि कम। तो यदि निरवय विनाश हो गया तो सजातीय इत्यादि पुनः पुनः आगमन किस लिए होगा, फिर संतान संतानी किसमें, किमर्थम स्यात् अत्मतम परमार्थम न तद्विद। अभी राजगृह के कॉलेज के वो प्रिंसिपल डीन कुलपति बोल रहे थे, सुब्रत सागर जी बोले हम चाहते जैन दर्शन की पढ़ाई भी हो। अब देखो भाई आप जैसे मुनिराज कहीं कहीं सेटिंग करो। आत्मतम परमार्थानाम तद, और ये परम सत्य पढ़ाने वाला विवेकी हुआ ना, दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा, भूतार्थ यही है। तो भेद वेतम किंतु स्मृति, तो जब पुनः पुनः आप जो किस करते, तो फ्रिकाओ वास्तव वस्तु नहीं उपचार होता, तो उपचार तो वास्तव के होता नहीं है। यदि एवं मृषा वेशम बिगलीकम सा, यदि मृषा ही है बिलीकम सा, उपचार क्या है चल रहे बिलीक ही है। कुतहा परमार्थस्य परमार्थ तत्रूपस्य तत्रूपस्य विपर्यो भावा, तो परमार्थ से यथार्थ में वास्तव में नहीं होता किंतु उपचार से होता है, ऐसा तो असत्य तो है। स्मृति न स्मृति न उपचारा, स्मृति नहीं उपचार, न स परमार्थ मंत्रण भवति, किंतु वास्तविक स्वरूप का उपचार नहीं होता, वो मुख्य वास्तविक उपचार के बिना नहीं होता। मुख्यार्थ मुख्यार्थ है, परमार्थ परमार्थ है, ऐसा जानना चाहिए। नमो रिंथ सौ।